अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ गिल भी देखेंगे, रेस्पिरेशन इन फिश भी देखेंगे कि फ़िश के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िश जो हैं ये वाटर में रहती हैं, कुछ मैरीन हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहती हैं। तो बेसिकली फ़िश के तीन बड़े ग्रुप हैं। एक जो है उन्हें हम साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, जिसमें इलाजमोब्रैंक्स आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं कॉन्ड्रिक्थीज, जिसमें शार्क्स, रेज वगैरह भी आ जाती हैं। और तीसरे नंबर पर जो फ़िश हैं उन्हें बोनी फ़िश यानी ऑस्टियक्थीज कहा जाता है। तो सबसे जो बुनियादी तौर पर हम डिटेल के साथ स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे वो ऑस्टियक्थीज यानी बोनी फ़िश का होगा। बाकियों को जो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हम सरसरी सा करेंगे, बाकी उनकी डिटेल जो है वो अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने लेक्चर पहले ही डायग्राम वगैरह बना ली है ताकि टाइम जो है उसको बचाया जा सके। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। तो रेस्पिरेशन इन फिश के हवाले से मेरे पास तीन मछलियाँ हैं, साइक्लोस्टोम्स हैं, बोनी फिश हैं और कार्टिलेजिनस फिश हैं। सबसे पहले हम बोनी फिश को देखते हैं। बोनी फिशेज जो हैं ये वो मछलियाँ हैं जो फ्रेश वाटर में भी होती हैं और हमारे मैरीन वाटर में भी पाई जाती हैं, और इन्हें हम आमतौर पर ऑस्टियक्थीज कहते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये एक कॉमन फ़िश है। मैंने सारी फ़िश नहीं बनाई, सिर्फ उसका हेड वाला हिस्सा जो है वो बनाया है। टर्मिनल हिस्से पर माउथ होता है, माउथ के साथ ही बिल्कुल पीछे यहाँ पर इसका हेड रीजन होता है, और इस हेड रीजन के अंदर जो हैं इसके गिल्स मौजूद होते हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा एक्सपोज करके आपको दिखाया हुआ है। अब ये जो मछलियाँ होती हैं इनमें कुछ मछलियों के अंदर ऑपरकुलम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियों की दोनों साइडों पर जो कि गर्दन की दोनों साइडें हैं, गर्दन होती तो नहीं है लेकिन हेड की जो बैक साइड है दोनों साइड पर एक कार्टिलेज या बोन का बना हुआ एक फ्लैप होता है जिसे ऑपरकुलम कहते हैं। अगर उसको उठाकर देखा जाए तो उसके अंदर हमें गिल्स भी नज़र आते हैं। कभी आपको मछली देखने का इतफाक हुआ तो इसके अंदर हम आराम से उनको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो जो फ़िश के गिल्स होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं, उन्हें गिल रैकर्स कहा जाता है। गिल रैकर जो हैं ये नोकीले हिस्से होते हैं जो बॉडी के इंटीरियर हिस्से पर जो हैं वो लगे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा आता है, जो यहाँ पर आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, इन्हें हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं, गिल आर्चिस कहा जाता है। गिल आर्चिस जो हैं वो फिर आगे आपको गिल फिलामेंट्स जो हैं उनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको मज़ीद हम डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन गिल्स का उसको बाहर निकाल लिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हिस्से हैं ये मछली के गिल्स के गिल रेकर हैं। गिल रेकर के ज़रिए ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद ये आ गया गिल आर्च, ये जो ग्रीन कलर में आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये गिल आर्च है। और उसके बाद गिल आर्च के साथ फिर अटैच होते हैं लंबे लंबे फिलामेंट होते हैं जिन्हें गिल फिलामेंट्स कहते हैं। गिल फिलामेंट्स जो होते हैं ये फिर आगे मज़ीद मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमल होते हैं जिन्हें लैमिला या लैमिली कहा जाता है। ये ब्रैंकियल लैमिली हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो गिल्स के साथ होता है। यहाँ पर वो आपको बारीक बारीक लैमिली जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, मैंने सेक्शन में बना लिया, इन्हें लैमिली कहा जाता है। अब यहाँ पर गिल आर्च के ज़रिए गिल इनको ब्लड सप्लाई की जाती है। दो तरह से जो ब्लड है वो सप्लाई की जाती है। सबसे पहले हार्ट से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इनको भेजा जाता है गिल्स की फिलामेंट के अंदर, और फिर वहाँ से जो है जिसे हम एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज कहते हैं, एफरेंट लेकर जाने वाली, किस तरफ लेकर जाने वाली, गिल्स की तरफ लेकर जाने वाली ब्रैंकियल आर्टरीज जो कि गिल्स की तरफ जा रही हैं। इसी तरीके से जब वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ब्लड को बाहर लाने वाली जो नालियाँ होती हैं उन्हें हम ईफ्रेंट ई से स्टार्ट होता है जिसे एग्जिट होता है, ईफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, उसके ज़रिए जो ब्लड है वो वहाँ से निकल आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो एक गिल फिलामेंट है इसको मैंने एनलार्ज कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया ताकि आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डिटेल के साथ नज़र आ जाए।
तो अब यहाँ पर देखें तो ये सबसे जो सर्कल में आपको नज़र आ रहा है, यूँ समझ लें कि ये एक लैमिला है, एक मेम्ब्रेन है जिसे ब्रैंकियल लैमिला कहते हैं, जो कि गिल्स के फिलामेंट के अंदर मौजूद होता है। उसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल दाखिल हो रही है, एफरेंट ब्रैंकियल आर्ट्रियोल यानी जो गिल्स की तरफ जाने वाली आर्टरी है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद दूसरी लैमिला आ जाएगी, उसके ऊपर भी ये नेटवर्क बनेगा। फिर इसी तरीके से पूरी गिल फिलामेंट के अंदर, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बनाया है, बाकी मैंने ओपन छोड़ दिया ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। तो जितनी लैमिली होंगे एक गिल फिलामेंट के अंदर उतने ही ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क होंगे जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आ रही हैं। जब वहाँ से एक तरफ से ये ब्लड एंटर हो रहा होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पे देखें पानी एंटर हो रहा है, तो पानी में और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी और CO2 वाटर में आ जाएगी। वो कैसे होती है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो ब्लड है ये अब डी ऑक्सीजनेटेड हो गया है, अब ये जो सॉरी ऑक्सीजनेटेड हो गया है डी ऑक्सीजनेटेड से, अब ये फिर दोबारा कैपिलरीज में जा रहा है जो कि इकट्ठी होकर फिर एक आर्टरी बन जाती है जिसे इफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल कहा जाता है। इफ्रेंट एग्जिट से निकला है यानी जो गिल्स से ब्लड को लेकर बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली ब्लड जो है वो गिल्स के अंदर एंटर होता है और फिर वहाँ से रिमूव होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हमें मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है कि ये सारा प्रोसेस कैसा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियाँ जो हैं ये पानी में रहती हैं और पानी के अंदर जो है सिर्फ 2.5% ऑक्सीजन होती है, यानी एज़ कम्पेयर टू एयर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। इसको मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो मछलियों के ग्रुप हैं उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की हुई हैं। कुछ जो हैं वो रैम वेंटिलेशन करते हैं जो अभी हम इसको स्टडी करते हैं, और कुछ जो हैं ये पंपिंग वेंटिलेशन करते हैं, पंपिंग मैकेनिज्म के ज़रिए करते हैं जिनके ज़रिए ये अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसके अलावा काउंटर करंट एक्सचेंज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर सके। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पंपिंग मैकेनिज़म क्या होता है जो कि आमतौर पर बोनी फिशेस में पाया जाता है, जिसके ज़रिए ये ब्लड को सॉरी वाटर को अपने मुंह के अंदर पंप करती हैं और फिर गैसेस एक्सचेंज का बायस बनता है। अब देखें ये मछली है, मछली के मुंह में पानी दाखिल होता है और मछली जो है वो अपना मुंह खोल लेती है। जब मुंह खोल लेती है तो पानी मछली के चेंबर में दाखिल हो जाता है जो कि माउथ की कैविटी है, माउथ कैविटी में दाखिल हो जाता है। उसके बाद मछली अपना मुँह बंद कर लेती है और पानी जो है वो बक्कल कैविटी या माउथ की कैविटी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है और वो एक्सपेंड हो जाती है। अब इसको मैंने डायग्रामेटिकली जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। पहले इसको देख लें, ये देखें ये मछली का माउथ है, यहाँ से पानी एंटर हो रहा है और पानी एंटर होता है कहाँ पर, माउथ कैविटी में। ये जो कैविटी है माउथ की ये एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, ज़ाहिर पानी भरेगा। जैसे अगर आप अपने मुंह में पानी ले लें तो आपका मुंह फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरीके से मछलियां अपने पानी को मुंह में भर लेती हैं जिससे उनकी माउथ कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। आगे ये गिल्स मौजूद हैं, यहाँ पर मैंने गिल्स जो हैं वो रेड कलर के शो किए हुए हैं। अब पानी इन गिल्स के अंदर जाएगा और ये भी एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी वो जो कैविटी है गिल्स के दरमियान जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी पानी के प्रेशर की वजह से एक्सपेंड हो जाएंगी और वहाँ पर जो पानी है वो गिल्स की सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा जिससे गैसेस एक्सचेंज होगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, ब्लड में CO2 पानी के अंदर आ जाएगी। अभी गिल की जो स्लिट कैविटी है वो बंद है, अब उसने मछली ने क्या करना है, अगले स्टेप में आ जाए, माउथ उसने अपना बंद कर लिया है, यहाँ पर मैंने डार्क ब्लैक बॉक्स बनाया हुआ जिसका मतलब है कि माउथ बंद हो गया। जैसे ही माउथ बंद हो जाएगा तो ये माउथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे पानी माउथ कैविटी से गिल्स के अंदर पुश किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिल्स पानी की तरफ जाएगा और गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर टेक्स प्लेस होगा। उसके बाद फिर तीसरे मरहले पर आ जाएं तो जो गिल स्लिट है ये ओपन कर दी जाएगी, ये जो अपर कलम होते हैं इनको खोल दिया जाता है प्रेशर के ज़रिए, क्योंकि पानी का पीछे से प्रेशर आ रहा है क्योंकि माउथ की कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे ही गिल स्लिट्स ओपन हो जाती हैं, गिल स्लिट्स और अपर कलम खुल जाते हैं,
तो पानी जो है यहाँ से इन अपर कोलम के दरमियान जो स्लिट्स होती हैं उनके अंदर से बाहर निकल जाता है। उस वक्त फिर ये माउथ कैविटी और जो गिल स्लिट होते हैं इनकी जो कैविटी होती है वो दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि पानी जो है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। फिर दोबारा देख लें, पानी मुंह में दाखिल हुआ माउथ कैविटी में, माउथ कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी, उसके बाद माउथ कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, पानी कहाँ चला जाएगा, गिल के जो स्लिट की कैविटी है उसमें चला जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगी, फिर माउथ कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो गिल स्लिट कैविटी है उसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद दोनों माउथ कैविटी और गिल स्लिट कैविटी दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपर कोलम खुल जाएगा, गिल स्लिट ओपन हो जाएंगी और पानी जो है वो मछली के साइडों से बाहर निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं पंपिंग वेंटिलेशन या पम्प्ड वेंटिलेशन, जिसके ज़रिए मुंह के अंदर पानी भर के मसल के ज़रिए पंप पानी को बाहर की तरफ जो है वो पंप कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो मछलियां हैं ये अपने जिस्म में पानी को लाती हैं और पानी को बाहर निकालती हैं। अब इसमें यहाँ पर एक और मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल एज़ कम्पेयर टू हवा के बहुत कम होता है, तो मैक्सिमम कोशिश ये होती है मछलियों की कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा में पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में लाया जाए। इसलिए क्या होता है कि अगर ब्लड का फ्लो जो है वो इस तरफ है तो वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर मैंने उस काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखें तो ये वाटर है जो इस तरफ जा रहा है और जो ब्लड है वो इस तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब पानी में ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो 100% है और यहाँ पर इवन के ब्लड जो है अगर ऑक्सीजनेटेड भी होगा तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 90% होगा, लिहाजा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 70%, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है पानी में, 70% है, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो अभी डीऑक्सीजनेटेड है, उसका जो लेवल है वहाँ पर ऑक्सीजन का 60% है जो कि पानी की निस्बत कम है, लिहाजा फिर ऑक्सीजन पानी से निकल कर ब्लड में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो पानी का लेवल और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, 40% रह गई ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन जो ब्लड में चली गई है, लेकिन ब्लड में अभी भी जो ऑक्सीजन है वो 30% है, यानी लेवल कम है, डिफ्यूजन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो 15% ऑक्सीजन रह गई है पानी में, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसके अंदर 5% ऑक्सीजन है, तो ग्रेडियंट बन गया ना, इस ग्रेडियंट की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पानी से निकल कर ब्लड में चली जाती है, पानी इधर चला जाता है, ब्लड इधर चला जाता है, और ये इस तरीके से काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी इसको फिर आगे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको काउंटर करंट भी क्लियर हो गया होगा, पंप्ड वेंटिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मछलियों के उन ग्रुप्स की तरफ जो कि रैम वेंटिलेशन करते हैं। मैकेनिज्म तकरीबन सिमिलर होगा लेकिन स्ट्रक्चर वाइज और वेंटिलेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइक्लोस्ट्रोम्स, जिसमें हमारे पास इलाज्मो ब्रैंक्स आ जाती हैं, जिसमें हैग फिशेज हैं और इसके अलावा लैम्प्रेज हैं। तो इनके अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने आपके सामने एक लैम्प्रे बनाई हुई है। लैम्प्रे जो है ये एक लंबी मछली होती है, इसका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पर होता है, सेक्टोरियल माउथ होता है, ये सक करके दूसरे एनिमल्स को खा लेती हैं, इनके टीथ भी बड़े हॉर्नी और तेज़ होते हैं। इनके जो गिल्स होते हैं वो इनकी साइडों पर लगे होते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 8 से 9 या इससे ज़्यादा मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के अंदर स्लिट्स होती हैं, सुराख होते हैं, जिनके ज़रिए वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है या गैशियस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस होता है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मछली का क्रॉस सेक्शन काट लिया है। जब हम इसके क्रॉस सेक्शन को काटते हैं तो ये देखें, ये इसका अगला ही सिरा है जो है वो हेड है, उसके पीछे यहाँ पर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है वो है इसकी टोंग, जो कि ज़ुबान है, बड़ी तेज़ होती है, गोश्त को खुरचने की ताकत रखती है। उसके नीचे यहाँ पर जाज होते हैं जिन्हें विलर जाज कहते हैं, जो यहाँ पर आपको माउथ के अंदर नज़र आते हैं, ये इतने तेज़ होते हैं कि ये दूसरी मछलियों के अंदर सुराख कर देते हैं। उसके साथ ही फिर एक कैविटी होती है जिसे विलम कहते हैं। अब विलम जो है इसकी डार्सल साइड पर माउथ होता है जो कि फीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और वेंट्रल साइड पर सॉरी डॉर्सल साइड पे जो है रेस्पिरेटरी पैसेज वे होगा वाटर का, और जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होगा।
तो दोनों को एक मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट किया गया है। तो अगर मछली जो है वो खाना भी खा रही हो या उसने किसी दूसरे शिकार को पकड़ा भी हुआ तो फिर भी वेंटिलेशन जो है वो होती रहती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे फेरिंग्स आ जाता है। अब फेरिंग्स जो है उसके आगे फिर एक लंबी नाली है, एक पाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर ट्यूब कहते हैं। इस वाटर ट्यूब के अंदर जो है वो पानी रन करता है जो कि माउथ के जरिए या फीडिंग के दौरान जो है वो एंटर होता है उनके मुंह के दौरान। अब ये जो माउथ है, ये लंबा पाइप जो है ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी वाटर ट्यूब है। इसके दोनों साइडों पर गिल पाउचेस निकली हुई हैं जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने बनाई हैं इधर और 7, तो 7 पेयर्स हैं। ये 7 पेयर या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज़ के ऊपर। अब हर गिल पाउच जो है उसकी दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग जो है वो वाटर ट्यूब के अंदर है जिसे हम कहते हैं इंटरनल ब्रेंकियल पोर जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये, और एक होती हैं एक्सटर्नल ब्रेंकियल पोर्स जो कि आपको बॉडी के बाहर की सरफेस के ऊपर नज़र आ रही हैं जो कि आपको यहाँ पर भी देखने में आपको मिलेंगी। इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्रेंकियल पोर्स। अब इनमें रैम वेंटिलेशन कैसे होती है कि ये पानी के अंदर तैरती रहती हैं, मुंह के अंदर पानी दाखिल होता रहता है, पानी मुंह के अंदर गया, फेरिंग्स के अंदर से होता हुआ वाटर ट्यूब के अंदर गया, वहाँ से गिल्स पाउचेज में गया और वहाँ से वेंटिलेट होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको वेंटिलेशन जो है, यहाँ पर भी जो बाकी एक्सचेंज का मैकेनिज्म है वो तकरीबन मिलता जुलता है। इसके अंदर गिल्स के अंदर फिर आगे गिल पाउचेस के अंदर फिर आगे मजीद गिल स्लिट्स होती हैं, लैमिली होते हैं, लैमिली को ब्लड कैपिलरीज प्रोवाइड की जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज के जरिए फिर गैशियस एक्सचेंज, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है, CO2 जो है वो ब्लड के अंदर आ जाती है, सॉरी वाटर के अंदर आ जाती है और फिर वहाँ से बॉडी के जरिए जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो इसे हम रैम वेंटिलेशन जो है वो कहते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये भी मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मछलियों का एक और ग्रुप है जिसे हम कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजनस फिश कहते हैं। इसमें रेज आ जाती हैं, शार्क्स आ जाती हैं। इनका मैकेनिज्म भी तकरीबन रैम वेंटिलेशन जैसा ही है क्योंकि इन मछलियों को ज़िंदा रहने के लिए कांस्टेंट पानी में चलना होता है ताकि इनकी बॉडी में पानी दाखिल होता रहे, क्योंकि ये पंपिंग वेंटिलेशन नहीं कर सकती। अब ये शार्क का मुंह खुला हुआ है, पानी जो है माउथ के जरिए दाखिल होगा। ये गिल स्लिट्स हैं, ये 5 जोड़े होते हैं दोनों साइडों पर होते हैं, इनके जरिए पानी बाहर निकल आएगा। इसलिए इन मछलियों को कॉन्स्टेंटली पानी में चलना पड़ता है। अगर ये रुक जाएंगी तो इनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वेंटिलेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए मैंने इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काट लिया है। ये इसका स्नाउट, माउथ का आगे वाला हिस्सा है, उसके बाद फिर अपर जॉ होगा, लोअर जॉ होगा, यहाँ पे माउथ होगा, वो मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पर होगा। उसके पीछे फिर यहाँ पे दो ओपनिंग्स हैं जिन्हें स्पेरिकल्स कहते हैं। स्पेरिकल भी गिल्स की तरह की ही ओपनिंग है लेकिन इन्हें ज़्यादातर पानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ से भी माउथ की कैविटी में दाखिल होता है, कुछ जो है वो खुले हुए मुंह से दाखिल होता है, वहाँ से फिर इनके फेरिंग्स में चला जाता है और फेरिंग्स के पीछे फिर ये गिल्स मौजूद हैं। इनके जो गिल्स हैं वो एक तरह की बारीक बारीक मेम्ब्रेन के बने हुए हैं जिन्हें गिल सेप्टम कहा जाता है। गिल सेप्टम जो है ये गिल की एक लेयर होती है जो कि अंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड जो है वो फैली होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं और साथ ही उनकी गिल स्लिट्स यानी सेप्टम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हर दो गिल्स के दरमियान एक ओपनिंग है जिसे गिल स्लिट कहते हैं दोनों तरफ। तो पानी जैसे ही माउथ में दाखिल होगा गिल्स के ऊपर से गुजरेगा और फिर गिल स्लिट से होता हुआ बॉडी से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर कोई पंपिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, बाकी गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म वही है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पानी जो है जब गिल्स की लैमिली के ऊपर से गुजरता है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है और वहाँ से CO2 और वेस्ट मटेरियल जो है वो वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने गिल के कुछ स्ट्रक्चर और उसके कुछ मैकेनिज्म जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।